everyone, a very warm welcome to the channel. This is Ayush Shipani, your chemistry educator. और आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ solubility का एक नया concept. Last lecture में हमने देखा था solubility of solid in a liquid. आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे solubility of gas in a liquid. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एक बहुत ही एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यार मेनली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड के लिए हमें सीधे स्ट्राइक करता है क्या, वही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वाला एग्जाम्पल कि ऑक्सीजन बीइंग अ गैस इज सॉल्यूबल इन वॉटर एंड दैट इज हाउ हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी की पूरी सस्टेन होती है. अरे ये सर नो, तो लेट अस सी. मेनी गैसेस डिजॉल्व इन वॉटर, बिल्कुल हमें भी पता है ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, नाइट्रोजन डिजॉल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहती है, बहुत सारी गैसेस वॉटर में डिजॉल्व कर जाती है. सो ऑफकोर्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. ओके, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वॉटर. It is this dissolved oxygen which sustains all aquatic life. On the other hand, hydrogen chloride gas is highly soluble in water. अब देखो दो चीजें समझ आ रही हैं. यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट, मतलब बहुत ही कम डिजोल्व करती है, लेकिन एट द सेम टाइम HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ आता है. HCl जो होती है ना बेटा, ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है, गैस होती है, लेकिन जब हम इसे वाटर में मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मालूम है ये या नहीं मालूम है? अरे पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो अब पता चल गया. ऐसी बहुत सारी बातें पता चलती जाएंगी, बस आपको बने रहना है एंड तक, ठीक है. ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर. क्यों भाई, ये हमें अलग से क्यों बता रहे हो, ये पॉइंट हमें अलग से क्यों बता रहे हो? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस या लिक्विड सॉल्यूशंस, ये किस पर बेटा डिपेंड करती थी? केवल और केवल टेम्परेचर पे. अरे ये सर नो, केवल और केवल किस पे डिपेंड करती थी? टेम्परेचर पे. प्रेशर का कोई रोल नहीं था. लेकिन क्योंकि गैसेस हैं, गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं. अब जब गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं तो डेफिनेटली प्रेशर अप्लाई करके हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं. यस और नो, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर भी फंक्शनल होता है. देयरफोर आपको बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उस गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. फॉर सोल्यूशन ऑफ गैसेज इन अ सॉल्वेंट कंसिडर अ सिस्टम एज शोन. अब इसको समझते हैं जरा कि किस तरह से जो प्रेशर है बेटा वो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर. तो फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट. मैंने बेटा एक बीकर ले लिया है और इसमें मैंने लगा दिया एक पिस्टन. क्या होता है पिस्टन? पिस्टन क्या होता है? कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है. ये जाना पहचाना सा स्ट्रक्चर है, थर्मोडाइनमिक्स में बहुत वाइडली यूज हुआ है, ठीक है. दिस इज आर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है. अच्छा, इसमें मेरे पास और क्या क्या है? मान लो ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसमें प्रेजेंट है बेटा? सॉल्वेंट. अभी के लिए अपन मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो वॉटर ही है, तो सॉल्वेंट प्रेजेंट है. अब देखो क्या होता है ना कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्योंकि गैस है तो गैस तो सभी जगह प्रेजेंट होती है, तो सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन आल्सो. दिस इज अ सॉल्यूशन, अबव द सॉल्यूशन आल्सो एंड इन द सॉल्यूशन आल्सो. इतनी बात क्लियर है? ये हमारे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व है, और कुछ बेटा कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर प्रेजेंट है. अच्छा, तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है किसका? पार्शियल प्रेशर का. किसका कंसेप्ट? पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर
क्या होता है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल मतलब क्या होता है? आधा, अधूरा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अधूरा प्रेशर। ठीक है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं समझेंगे। अब मेरे वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना। एट अ गिवन टाइम या पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम, एक पॉइंट पर, क्या बोला मैंने, एक गिवन टाइम पर, उसी टाइम की बात हो रही है। एक गिवन टाइम पर बेटा ये जो लिक्विड का सरफेस है इस पर कुछ गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स विल बी स्ट्राइकिंग, यस और नो? कुछ समझ आया? फिर से देखो, ये मेरा सल्यूशन है। सल्यूशन के सरफेस पर जो बाहर गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे होंगे एक गिवन टाइम पर, एंड दैट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो ऑफ कोर्स। तो क्या चीजें स्पेसिफाइड है? टाइम स्पेसिफाइड है। और अगर मैंने टाइम बोल दिया है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलने की नीड नहीं होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर इस सिस्टम में एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं इस लिक्विड सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिनोटेड बाय पी। और क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का ले लिया है तो ऑक्सीजन गैस मैंने नीचे लिख दिया, जनरली इसका काम नहीं है, बस बता रही हूँ कि पार्शियल प्रेशर हम पी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली? फिर बेटा आप बोलोगे कि मैम टोटल प्रेशर क्या होता है फिर? तो टोटल प्रेशर ये होता है कि मान लो मैंने एक एम्प्टी बीकर लिया है, क्या लिया है? एम्प्टी बीकर लिया है, बिल्कुल खाली, बंद है, इसमें मैंने गैस वैस भर दी है, एज इट इज पूरा तामझाम वही वाला है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अब इसमें कोई लिक्विड नहीं है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है, इसमें लिक्विड है बेटा, इसमें लिक्विड नहीं है। तो यहां पर अब गैस मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? आवारा, मैं आवारा हूं, इजंट इट? आवारा होता है ना, कहीं भी मूव करते हैं। तो एम्प्टी कंटेनर कंटेनिंग ओनली गैस मॉलिक्यूल्स, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कंटेनर कंटेनिंग गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किस पर? वॉल्स पर, वो होता है टोटल प्रेशर। पी टी से हम उसे डिनोट करते हैं, पी सबस्क्रिप्ट में कैपिटल टी, दिस इज द टोटल प्रेशर, यस और नो? लेकिन इस केस में पार्शियल प्रेशर हम टर्म देते हैं किसे? गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लिक्विड सरफेस पर एग्जर्ट करते हैं एट अ गिवन टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, आगे देखते हैं। तो आई होप कि ये सिस्टम आपको क्लियर है, यस और नो? अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इस पिस्टन को नीचे मूव कर दूं, अगर मैं इस पिस्टन को नीचे मूव कर दूं तो अभी तो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, अभी तो गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या ये सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा? आप मुझे कंफर्म करेंगे कमेंट बॉक्स में, यस और नो बोलकर फटाफट से। ठीक है, अभी पिस्टन ऊपर था, अब मैं पिस्टन कहां ले आई? यही हमारा बीकर है एज इट इज। अब मैं पिस्टन कहां ले आई बेटा? थोड़ा सा नीचे ले आई। ठीक है, मतलब पिस्टन नीचे लाने का मतलब मैं गैस को कंप्रेस कर रही हूं। अगर मैं गैस को कंप्रेस कर रही हूं तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ वाटर मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास, सॉरी 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास। ठीक है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अब क्या कर रहे हैं? लिक्विड तो एज इट इज ही रहेगा, लिक्विड तो क्या रहेगा, एज इट इज उतना ही लेवल रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो तुम समझ जाना कि उतना ही है, लिक्विड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लिक्विड थोड़ी कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल होता है। लेकिन इस केस में मैंने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, प्रेशर अप्लाई करने पर क्योंकि गैसेज आर कंप्रेसिबल तो जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास आ गए। ऑल्सो एक और चीज हुई है, अभी केवल फर्स्ट केस में मुझे क्या दिख रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे स्ट्राइक कर रहे हैं? सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, और कितने हैं? केवल 3 हैं। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बेटा क्या कर गए? इंक्रीज कर गए। ठीक है, 4 हो गए, 3 की जगह 4 हो गए। अब ऐसा करने से, क्योंकि मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो अब पार्शियल प्रेशर भी बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि अब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड सर्फेस स्ट्राइक कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं, यस और नो? तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ
द लोअर पार्ट ऑफ सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट, द लोअर पार्ट इज सोल्यूशन, पिछले वाले सिस्टम की बात करें, इसी सिस्टम की बात करें कि जो लोअर पार्ट है, क्योंकि इसमें गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं और वाटर भी है, तो ये सोल्यूशन बन गया ना। हमारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या है? सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स क्या बना दे रहे हैं? सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज सेड इस केस में बेटा, कि द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन, नीचे वाला तो सॉल्यूशन है, एंड अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। वही एट अ गिवन टाइम वाली बात कर दी है इनने थोड़ी सी एक्सपैंड करके। ओके, अज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यार हमें पता है जब भी कोई सोल्यूशन बनता है, वो किसी का भी सोल्यूशन हो, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, किसी का भी सोल्यूशन हो, गैस गैस, किसी का भी हो, दैट इज ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। हमने गैस की वॉल्यूम कम कर दी, गैस मॉलिक्यूल्स आवारा थे, उनको जरा प्रेशराइज किया, ठोका पीटा, तो वो एक छोटी वॉल्यूम में आ गए, इनकॉर्पोरेट हो गए। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस या गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन, एंड ऑल्सो द रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द सॉल्यूशन टू एंटर इट। अब देखो, ये बात आप चाहे वैसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, समझ आनी चाहिए। वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया, तो पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 cm³ वॉल्यूम में, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए, और जो गैस मॉलिक्यूल्स सरफेस, लिक्विड सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी बढ़ गए। यस सर नो? ठीक है, इतनी बात समझ आती है? ओके, तो solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in pressure of gas above the solution. बिल्कुल बेटा, मैंने बताया आपको कि क्योंकि number of gas molecules जो surface, liquid surface को strike कर रहे हैं, वो बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि pressure of the gas above the solution, जिसे हम partial pressure भी बोल रहे थे, partial pressure, वो भी बेटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पार्शियल प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। कैसे? ये बहुत आसान है। जितने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे सरफेस पर, उतने ही ज्यादा बेटा दे विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इनसाइड द सॉल्यूशन, एंड उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यस और नो? अरे यस और नो? तो इसी रिलेशन को डिफाइनिंग या रिलेटिंग प्रेशर ऑफ गैस विद इट्स सॉल्युबिलिटी, हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? हेनरीज लॉ, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? हेनरीज लॉ। तो उन्होंने एक लॉ दिया था बेटा, और किस किस को रिलेट किया था? रिलेट किया था प्रेशर ऑफ अ गैस को किससे? प्रेशर ऑफ अ गैस को सॉल्युबिलिटी से रिलेट किया था। और क्योंकि ऐसा बोला है कि इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, तो मैंने यहां पर लगा दिया डायरेक्ट रिलेशन। आपको पता है ना, डायरेक्ट रिलेशन मतलब ये वाली क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ये वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो ये वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन का तो यही मतलब होता है। तो प्रेशर जितना ज्यादा, सॉल्युबिलिटी गैस की उतनी ज्यादा। इस रिलेशन को क्वांटिटेटिवली किसने एस्टैब्लिश किया था? सबसे पहले हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने। हेनरी, क्लियर है एवरीवन? सो हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन सॉल्वेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है? द लॉ स्टेट्स दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बेटा हमेशा ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट क्या है यहां पर? कॉन्स्टेंट क्या है? कीवर्ड है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्यों बोल रहे हैं ये? ऐसे ना बोलकर कि एट अ गिवन टाइम, वो बोल दे रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बात तो एक ही होती है ना। एक गिवन टाइम पर, एट अ गिवन टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर तो फिक्स्ड रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो दैट इज व्हाट इज सेड कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। लेट अस बी मोर स्पेसिफिक नाउ, पार्शियल
प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन. हमेशा हमेशा ध्यान रखना. पार्शियल प्रेशर किसको बोल रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूं आपके लिए. ये पिस्टन विस्टन सब लगाया था हमने, ठीक है. दिस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ ये वाले, इनकी बात नहीं हो रही है बेटा, सिर्फ इन गैस मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है जो लिक्विड सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं. ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं लिक्विड सरफेस पर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. क्लियर है? इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज गिव अ थम्स अप इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने क्या समझा बेटा, कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन अ लिक्विड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. या आप ऐसा बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. इज दिस मच क्लियर? ओके. तो एक और साइमल्टेनियसली एक और साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने भी यही ऐसी कुछ थ्योरी दी थी. ही ऑल्सो इंडिपेंडेंटली कंक्लूडेड कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन. उनके वर्ड्स थोड़े डिफरेंट थे लेकिन बात वो बिल्कुल यही बताना चाहते थे कि सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस. इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस एज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्या बोला है, अगर हम सॉल्युबिलिटी को एज अ मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या ले लेते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन से. क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स या इतने सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं सॉल्वेंट में, तो वो जितने डिजॉल्व हैं उसको हम बोल सकते हैं ना कि इतने मोल्स डिजॉल्व हैं. तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें सॉल्यूट का लेना है या गैस का लेना है तो बेटा उसका तो मोल फ्रैक्शन ही लेना पड़ेगा ना. यस और नो? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, गैस के भी और सॉल्वेंट के भी, से वाटर. अगर हम अभी सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं तो दैट विल बी वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. तो मोल फ्रैक्शन मतलब गैस का कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है, गैस का कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है किसमें, सॉल्यूशन में. ये तो वही बता रहा है ना उसकी सॉल्युबिलिटी. अगर इतना फ्रैक्शन अवेलेबल है मतलब इतनी गैस सॉल्युबल है. तो इसीलिए हम सॉल्युबिलिटी को किससे डिफाइन कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से. अभी बात समझ आई? तो मैं इसको लिख दूं ऐसे, एंड पार्शियल प्रेशर को तो हम पी ही लेते हैं, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय. यस और नो? तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, एज पर हेनरीज लॉ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय. किसका बेटा, गैस का, ठीक है. अब जब भी हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं, या सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल रिमूव करते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है. मैंने इसको रिमूव करके इक्वल टू लगा दिया तो वी गेट अ कॉन्स्टेंट एंड रिमेनिंग इक्वेशन रिमेन्स द सेम. यस और नो? रिमेनिंग इक्वेशन रिमेन्स द सेम. तो वॉट इज दिस कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज हेनरीज कॉन्स्टेंट. क्या बोलते हैं, हेनरीज कॉन्स्टेंट. क्लियर है? सो As if we use mole fraction of gas in solution as measure of its solubility, mole fraction yani ki yahi kai. Agar hum ise le lete hain, so then it can be said that mole fraction of gas is this in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over solution. Ye main aapko baat samjha chuki hu. The most commonly used form of Henry's law states that partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution. जाहिर सी बात है, इन्होंने इस statement को बेटा बहुत specific करके एकदम perfect form दिया है. They are saying the most commonly used form of Henry's law states that the partial pressure of gas, partial pressure किसको बोलते हैं, the one present above the solution, partial pressure of the gas in vapor phase
इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यस और नो? तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया एंड KH इज द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट. क्लियर है इतनी बात? इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये इक्वेशन आप कहाँ पर पुट करने वाले हैं? ये इक्वेशन आप पुट करने वाले हैं अपनी फॉर्मूला शीट में. देखो इससे पहले कितने फॉर्मूला आए मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन आपको जैसे जैसे बेटा मैं फॉर्मूलाज बताती जा रही हूँ वैसे वैसे उन्हें अपनी फॉर्मूला शीट में इनकॉर्पोरेट करते जाना है. अपनी केमिस्ट्री इन्वेंट्री रेडी रखेंगे सभी, ठीक है? क्लियर है? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अच्छा आई कैन रिकॉल हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं. कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बहुत सारे फॉर्मूले यूज हुए आपके, वो आ जाएंगे. और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? विच वन बेटा? दिस वन, ठीक है? चलो तो दिस सम्स अप हेनरीज लॉ. बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस. थैंक यू सो मच.